एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं प्यूरिगो स्क्रोटाई के बारे में। इसका मतलब होता है इचीनेस यानी इचिंग इन द स्क्रोटम और टेस्टिकल्स। ये मेल प्रॉब्लम होती है और काफी इंटेंस प्रॉब्लम होती है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके कॉजेज के बारे में जानेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मेडिसिन जो होगी वो कॉम्बिनेशन में होगी, तो आप तीन मेडिसिन है उनके कॉम्बिनेशन को मिला के आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ग्रोइन रीजन में इचीनेस का फीलिंग होना या इचीनेस होना, बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली होना, तो ये बहुत ज्यादा कोई गंभीर समस्या नहीं है। नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम होता है, इचीनेस होती है स्क्रोटम एरिया में, इचीनेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जब आपको अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है या फिर आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है या आपने बहुत टाइट फिटिंग कपड़े पहन लिए हैं, तो उसके वजह से ये कॉमन होता है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं और ये कॉजेज दूर करने के बाद में आप ऑटोमेटिक समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कंटिन्यूस इंटेंस बहुत ज्यादा इचीनेस होती है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही है और इचिंग होने के बाद वहां पे बर्निंग बहुत ज्यादा होने लगती है, बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, साथ में वहां वुंड भी हो जाता है, थोड़ी सी स्किन जो है वो स्क्रैच हो जाती है, छिल जाती है और वहां पर काफी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, तो ये समस्या जो है मेल में होती है। पुरुषों में होने वाली समस्या होती है जहां पे काफी ज्यादा इचीनेस होती है स्क्रोटम में या टेस्टिकल्स में या उनके प्राइवेट पार्ट्स में। तो अगर इंटेंस इचिंग हो रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो फिर वहां पर आपको सतर्क होना जरूरी है और उसके कॉजेस के बारे में जानना जरूरी होता है। तो कॉजेस में आप जानने के लिए आपको या तो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और ठीक तरीके से कॉजेस जानने के बाद में वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके के ट्रीटमेंट लेना है या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको कैसा आपको इलाज करवाना है। बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी तरीके के ट्यूब्स या क्रीम्स या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अगर ये कॉजेस हैं तो इन कॉजेस को दूर करके आप इस प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पा सकते हैं। मेन कॉजेस जो होते हैं जो कि इची टेस्टिकल्स के कारण बनते हैं, तो उसमें सबसे मेन कॉज आ जाता है स्वेटिंग होना यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना होना। तो जो मेल्स होते हैं वो अक्सर बाहर काम करते हैं और बहुत ज्यादा जैसे जीन्स वगैरह टाइट फिटिंग कपड़े पहनने की वजह से या बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग अंडरवियर पहनने की वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने के कारण भी इचीनेस जो है वो हो सकती है। बहुत ज्यादा मेजर कॉमन कॉज होता है, तो ये कॉज जो है इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको इचीनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो वहां पर आपको हाइजीन मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है। पसीना बहुत ज्यादा आता है तो उसकी वजह से हाइजीन अगर ठीक तरीके से आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वहां पे बहुत जल्दी वहां पर जो है फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जो अगेन सीरियस प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है। तो व्हाट टू डू, आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आपको वॉश करना चाहिए आपके प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा। जब भी आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत एक्सरसाइज करने के बाद है या कभी कभी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाया करती है, तो आपको पता होता है कि स्वेटिंग हो रही है, आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की हुई है, तो फिर आपको साफ सफाई करनी है। डेली आपको बाथ लेना जरूरी होता है, कम से कम दिन में एक बार बाथ जरूर लीजिए और गर्मियों के दिनों में तो दो बार बाथ लेना आपको जरूर लेना ही चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो जिम से आने के बाद भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्वेटिंग जो है वहां पर हमेशा क्रिएट होती है। तो हाइजीन को आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर वॉश करना है, प्रॉपर आपको बाथिंग वगैरह आपको लेनी है। अगर नहीं तो फिर जो वहां पर डैम्पनेस होती है, वहां वार्मनेस होने की वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है, वहां पे डैम्पनेस होती है और वार्म जो होता है, तो वो एक बहुत अच्छा फ्लोरा बन जाता है बैक्टीरिया को या फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट होने के लिए, तो वहां पर बहुत जल्दी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और वो इसके वजह से भी आपको बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है, जो कि आगे कन्वर्ट हो सकती है किसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से। अगला कारण की बात करें तो वो होता है फ्रिक्शन का होना। अगर बहुत ज्यादा आपको फ्रिक्शन होता है, आपको काफी ऐसी कोई जॉब है जहां पे आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है या चलते ही रहना पड़ता है, जैसे कि रनरर्स जो होते हैं उन्हें काफी देर तक भागते रहना पड़ता है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी कभी कभी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, फ्रिक्शन की वजह से इचीनेस भी क्रिएट हो सकती है। कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन जो होते हैं वन ऑफ द मेजर कॉजेस हो सकता है इचिंग और इचीनेस का या स्क्रोटल इचिंग का।
तो जैसे जो साइकिलिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। यदि टाइट अंडरवियर्स अगर आपने पहने हुए हैं या टाइट जीन्स पहना हुआ है तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी वहां पर स्क्रोटल रीजन पे इचिंग जो है हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको ऐसे बहुत ज्यादा चलना नहीं चाहिए, ऐसी कोई मूवमेंट नहीं करनी चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होते हैं। अगर ऐसा कुछ है कि करना ही पड़ता है, ऐसा कोई वर्क है आपका, ऐसा कोई जॉब है जहां पर आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, आपको कंटिन्यूस मूवमेंट करना ही पड़ता है या फिर रनिंग करना ही पड़ता है, तो उसके उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ग्रोइन प्रोटेक्टर्स होते हैं, आप उसको वियर कर सकते हैं, टाइट अंडरवियर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, या अगर अभी कभी आपने एक्सरसाइज वगैरह कर ली है या अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटीज आपने की है तो प्रॉपर वॉशिंग करना चाहिए, और वहां पर आपको खुला खुला थोड़ी देर के लिए आपको रहना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो खुला रखना चाहिए ताकि वहां पर एयर फ्लो अच्छी तरीके से हो सके। और वहां पर फ्रिक्शन अगर हुआ है या आपने कोई एक्सरसाइज करके आए हैं और वहां पर स्वेटिंग वगैरह बहुत हुई है तो उसको अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से भी इचीनेस बहुत ज्यादा होती है, स्वेटिंग होती है और इन्फेक्शन भी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। प्यूबिक हेयर रिमूवर की वजह से भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग हो सकती है। जो भी मेंस जो होते हैं प्यूबिक हेयर को रिमूव करते हैं तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि आफ्टर 2 डेज रिमूव के बाद उन्हें काफी ज्यादा इचिंग होने लगती है, क्योंकि वहां पे हेयर ग्रोथ होती है जो कि स्किन बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर उसके वजह से थोड़ा सा स्लाइट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वहां पे खुजली जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो मेन जो है इसको अवॉइड करने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। उसमें से एक तो ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा इचिंग होती है या बहुत ज्यादा आप हेयर प्यूबिक हेयर रिमूव करने के बाद में आपको डिस्कम्फर्ट होता है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि कभी भी आपको ब्लेड उस डायरेक्शन में चलाना चाहिए जहां पर हेयर जो है ग्रोथ होती है, उसके अगेंस्ट आपको नहीं ब्लेड चलाना चाहिए, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा इचीनेस क्रिएट हो सकती है, चुभन हो सकती है हेयर्स की। और दूसरा, आपकी जो स्किन होती है उसको हाइड्रेट रखना जरूरी होता है, तो हाइड्रेट रखने के लिए आपको पता है कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, वाटर इनटेक आपका बढ़ा देना चाहिए, साथ में आप जूसेस वगैरह ले सकते हैं, और कुछ वहां पर आप कुछ मॉइस्चराइजर जैसी कोई भी क्रीम वगैरह जो स्लाइट हो, या आप सिंपल कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से वहां पर मॉइस्चर बना रहता है और हाइड्रेट रह सकती है इसकी। तो इस तरीके से आपको आपका ध्यान रखना चाहिए, और ये कॉज भी एक हो सकता है। अगला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। बहुत ज्यादा मॉइस्टनेस की वजह से, डैम्पनेस की वजह से और हॉट रीजन की वजह से वहां पर फंगल इन्फेक्शन जो है काफी जल्दी पनपने लगता है। और दूसरा कारण ये होता है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। अगेन मैंने बताया पहले ही कि बहुत ज्यादा टाइट क्लोदिंग की वजह से, टाइट अंडरवियर की वजह से, वहां पर बहुत ज्यादा मॉइस्टनेस की वजह से वहां पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ईजिली घर कर लेता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, टाइट फिटिंग कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए, स्वेटिंग को अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। बहुत सारे पुरुषों में ऐसा होता है कि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उनके प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए और इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए उन्हें प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। कोई भी सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल वहां पर नहीं करना चाहिए। कॉटन अंडरवियर आप पहन सकते हैं या फिर सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं उसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल फैब्रिक जो होता है उस तरीके की चीजों को आपको अपनाना चाहिए, उसको वियर करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के इन्फेक्शन हो गया, वहां रेड ब्लॉकेज वगैरह आपको रेडनेस जैसा समझ में आ रहा है, काफी ज्यादा इचिंग हो रही है और बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो जल्दी से आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो उसके हिसाब से आपको फंगल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन देते हैं और आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, वो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला जो कारण होता है वो हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। अगर बहुत ज्यादा आप सिंथेटिक कपड़े या पॉलिस्टर कपड़े पहन रहे हैं तो उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। कोई किसी तरीके का केमिकल या परफ्यूम युक्त चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सोप ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा केमिकल है, या ऐसी कोई चीज लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, है ना, लुब्रिकेशंस वगैरह या कोई भी चीजें जो होती हैं, तो उसकी वजह से अगर किसी भी वजह से एलर्जी हो रही है तो उसकी वजह से भी वहां पर काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इचीनेस हो सकती है और बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पर आपको कुछ इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसी समस्या, स्वेलिंग वगैरह आपको देखने को मिल सकती है स्क्रोटल रीजन में या फिर टेस्टिकल्स में, आपको बहुत ज्यादा खुजली जैसी समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एलर्जिक रिएक्शन किस वजह से हो रहा है उसकी आपको जांच करनी है, क्यों हो रहा है, आपका सोप चेंज करके आप देखिए, या फिर आपको जो आपने अंडरवियर्स वगैरह पहनी है तो 100% कॉटन युक्त अंडरवियर आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर वियर करनी चाहिए।
सोप को आपको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल सोप एलर्जिक रिएक्शन में आपको सिंथेटिक क्लॉथ को वियर नहीं करना है। अंडरवियर 100% कॉटन युक्त होनी चाहिए। स्किन इरिटेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं या ऐसी कोई सोप या चीज कोई भी अप्लाई करते हैं तो उसको पूरी तरह से आपको बंद करके जांच करनी चाहिए। अगर एलर्जिक रिएक्शन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, आपको हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो अगेन आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको आपका करवाना चाहिए। अगले जो कारण हो सकता है वो हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दो ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये कारण हो सकता है कि इचिनेस बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जिसकी वजह से आपको एसटीडी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली हर्पीस जैसी समस्या हो सकती है जिसमें कि काफी ज्यादा इचिनेस हो सकती है, स्क्रोटल रीजन में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत होती है, तो आपको किसी भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से या सेक्सुअलॉजिस्ट से जाकर मिलना है और अच्छे से डायग्नोस करने के बाद में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स को आपको अवॉइड करना है और आपको किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके ही आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। और कुछ अनकॉमन कॉजेज भी होते हैं जैसे कि लाइस या क्रैप्स का वहां पर होना। अगर वहां पर लाइस वगैरह है तो आपको अच्छी तरीके से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसको कॉम के थ्रू निकालना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, स्वेटिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से आप आपका ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों के जांच करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को हमेशा, और जो भी मैंने आपको बताया हर इसमें आपको उस कॉज को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो नॉर्मल इचिनेस की वजह से इचिंग इन द स्क्रोटल और टेस्टिकल्स आपको आगे की जो गंभीर समस्या होती है उसका सिग्नल हो सकता है ये चीज, तो इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और प्रॉपर आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर बहुत ज्यादा इचिंग होती है, नॉर्मल इचिंग अगर हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद अच्छे तरीके से डायग्नोसिस करवाने के बाद आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन मेडिसिन को आपको प्रॉपर मात्रा में मिलाना है। सबसे पहली मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल, आपको 30 पावर में लेनी है, और अगली मेडिसिन है क्रोटन टिग्लम, इसे भी आपको 30 पावर में लेनी है, और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस, इसे भी आपको 30 पावर में लेनी है। आप चाहें तो 200 पावर में भी बना सकते हैं, वैसे 30 पावर से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए, ज्यादा पावर के आपको लेने से बचना चाहिए। तो 30 पावर की तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए, घर पर बना के आप रख लीजिए, और इसको आपको लंबे समय तक 3 से 4 महीने तक आपको लेना चाहिए अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो इसको आपको बनाना है। आप चाहे तो होम्योपैथी मेडिकल शॉप से भी बनवा कर लेकर आ सकते हैं। 2 बूंद लेना है अगर 30 पावर में है, तो 2 बूंद डायरेक्ट आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। अगर इचिनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो हर 2 घंटे में आप इसको दोहरा सकते हैं और बाद में धीरे धीरे करके आप इसको बंद कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जांच कराइए, डायग्नोसिस कराइए, कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, खुद से खुद की मेडिकेशन ना करें, क्योंकि इचिनेस के कई कारण हो सकते हैं। ये जो मैंने कारण बताए हैं तो उन कारणों को दूर करिए। अगर बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसके साथ कुछ अलग सिम्टम भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे से किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए और डायग्नोस करवाना चाहिए। तो होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और जो अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके और आप इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो को देख सके और उसका लाभ उठा पाए। तो इसके अंदर मिलूंगी मैं किसी अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।